बहादुर कौम बड़ी जबरदस्त कौम, और इतने मेहमान नवाज के वाह वाह, कोई मेहमान चला जाए मजाल है कि भूखा उनके घर से आ जाए। मगर खान साहब लोग बस चला लेते हैं, ट्रक चला लेते हैं, बिल्डोजर चला लेते हैं, जहाज चला लेते हैं, मगर आज तक बेचारों को साइकिल तरीके से चलाना नहीं आया। एक खान साहब ने साइकिल ले ली, अब उन्हें चलाना नहीं आ रही। कहने वो भाई साइकिल ली हमारे कोई बिठाए। एक साहब ने खान साहब को उठाया और साइकिल पे बिठा दिया। कहने भाई धक्का भी दियो, खान साहब को धक्का दे दिया। अब उनसे साइकिल हिल रही है, संभल नहीं रही, और जाते जाते उन्होंने जनाजे में मार दी। आइए मैं आपको बताता हूँ उन्होंने जनाजे में कैसे मारी। उसके बाद उस जनाजे के अंदर मुख्तलिफ कौमियत के लोग थे, कोई बिहारी था, कोई बंगाली था, कोई मेमन था, कोई हिंदुस्तानी था, कोई पंजाबी था, मुख्तलिफ लोग थे। अब उन्होंने इस जनाजे को गिरने के बाद क्या रिएक्ट लिया और खान साहब को कैसे डांटा, आइए खान साहब पहले साइकिल चलाते हुए नीचे गिर गया। अब उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, पहले पंजाबी आया, पठाना तेरी शर्म नहीं आई, और सारा जनाजा देख सीधे है, तेरी शर्म नहीं आई, अरे देख ना तेरी शर्म है आ नहीं, एडा वड्डा तू बंदा हो गए है जनाजा गिराता। ठीक है, अब आए बिहारी भाई, वो अपने अंगाल में डांट रहे हैं, देखिए कन्ना का सारा जनाजा बनाता करा दे है, आपको शर्म आरम नहीं आ रहा है, अरे इतना सूत लग गया है गिरने वाले का, आपका कुछ नहीं जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं भैया, देखिए आप अच्छी बात नहीं है, हम आपको मारे इतने से अपना अंदाज में घुसे मारे चले गए। अब आए बंगाली भाई और आते शुरू है, हाँ मिस अरे तुमको सुरम नहीं आ रहा है, गुरने वाले को कितने सूट लग गया है, आज तुमको हंस रहा है, तुमने सुरम सुरम करा दिया, हाँ साइकिल तुमसे समोल ही रहा है, तुमने साइकिल ही मोड़ दिया, ठोकर के मार दिया, आप तुम्हारे को नहीं सोरेगा, तपांग तपांग उन्होंने दो तीन थप्पड़ अपने अंदाज में मारे चले गए। अब आए हमारे मेमन भाई, ए तू ने जाना जमाना देखी ना जने, ये तेरे को थर मेरे घर नहीं है, ने सारा जनाजा गिरा के आते ने तेरे को चोरे मर नहीं, ने तेरे को मर टपा टपा टपा, उन्होंने अपने अंदाज में मारा। सबने जब मार लिया, खान साहब उठे, सबसे पिट पिटा के कहने भाई तुम लोग आपको क्यों मारते हैं भाई, तुम लोग हमको मारते, देखो यार जिसको चोट लगा जिसका जनाजा गिरा वो हमको कुछ नहीं बोलता, वो तो आराम से पड़ा।